गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ स्वप्निल और आप देख रहे हो टू ब्रदर मोटो व्लॉग्स। तो अभी 11:05 हो चुके हैं और आज हम जाने वाले गाड़ी का टायर चेंज करने के लिए। एक्चुअली सीन कुछ ऐसा था कि कल ऑफिस से आते मेरा जो गाड़ी का टायर हो गया पंक्चर, तो गाड़ी का पूरा हवा निकल गया था। अभी मैंने हवा भरा ली है, तो अभी गैरेज पर जाके फटाक से मैं टायर चेंज करूँगा। और एक्चुअली कल से मैं सर्च कर रहा था यूट्यूब पर कि ब्रॉड साइज़ का टायर मैं अपने सुजुकी बर्मन में लगा सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि एक्चुअली जो मेरा अभी का टायर है वो साइज़ में थोड़ा छोटा है, तो उसकी वजह से उतनी ग्रिप नहीं मिल पा रही है, गाड़ी स्लिप होने का डर लगा रहता है, नर्वसनेस फील होता है। तो बहुत से गाड़ियों में मैंने ब्रॉड साइज़ का टायर लगाते हुए देखा था, लेकिन सुजुकी बर्मन का एक प्रॉपर नहीं था। तो अभी हम 2-3 जगह पर विज़िट करेंगे, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से हमें सुजुकी बर्मन के लिए टायर चूज़ करना चाहिए, किस तरह से वो काम करेगा, क्योंकि टायर का साइज़ बदलेगा तो हो सकता है गाड़ी का माइलेज भी कम हो सकता है, तो इंजन पे भी कुछ असर हो सकता है, क्योंकि हमारे जो स्कूटी है वैसे भी 125 cc की है। तो सब चीज़ें अभी हम जाके क्लियर करेंगे। तो अभी मिलते हैं हम बिल्डिंग के नीचे और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे टायर की हालत कुछ इस तरह से। तो गाइस, अगर आप देख रहे हो तो टायर की हालत बहुत ख़राब है ऑलरेडी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पे पंक्चर निकला है इसका। एक पंक्चर है वापस, ये दूसरा, यहाँ पे तो 2 पंक्चर है, ये 2-3 पंक्चर तो यहीं पे हो गए, और एक और पंक्चर कहाँ पे गया जो अभी हुआ है। ये देखो गाइस, यहाँ पे खिला घुसा हुआ है, अगर आप देख रहे हो साफ साफ। तो अभी ये कल हुआ है, तो इसकी वजह से अभी हम जा रहे हैं टायर चेंज करने। तो चलते हैं अभी हम गैरेज की ओर। अभी हम आ चुके हैं, तो अभी देखते हैं कौन सा टायर हमारे स्कूटी के लिए बेस्ट रहेगा, उनसे थोड़ी सी बात करते हैं। तो आप तो देखते ही रहिए, पूरा वीडियो देखना तो आपको सब मालूम हो जाएगा। तो भाई, जो अपना टायर है अभी हम उसमें कौन सा टायर डालेंगे? तो अभी जो हमारा जो साइज़ है जो स्कूटी का है वो 10 इंच का है, तो ये 90-100 का है, तो इसमें हम 100-90 का डाल सकते हैं, क्योंकि और अभी कौन से कंपनी का डालने वाले हम? मेट्रो कॉन्टिनेंटल। मेट्रो कॉन्टिनेंटल का, तो ठीक है चलो हम डलवा के ले लेते हैं। तो गाइस चलो अभी हम देखते हैं इसको फिक्स करके। हाँ, हम घूम फिर के ही बनाते हैं थोड़ा। एक्चुअली हमें अपना जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ स्कूटी वाला है, तो हम स्कूटी पे ऑल ओवर इंडिया राइड्स करने वाले हैं, पूरा इंडिया घूमने वाले हैं। पूरा इंडिया घूमेंगे भाई, सही बात है। तो भैया ने तो अपना काम चालू कर दिया है। एक तो पहले से ही गाइस मैं वीडियो में बात करते वक्त नर्वस हो जाता हूँ, और हमारे भाई तो उससे भी ज़्यादा नर्वस हो गए थे, लेकिन अच्छी बात की उन्होंने, अच्छे से समझाया, चलता है। एक्चुअली लोगों को थोड़ा अजीब सा लगता है जब उनको बोलता है यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हो, भाई आपको कैमरे में बात करनी है। तो गाइस टायर तो अभी लग चुका है, अभी देखते हैं गाड़ी में किस तरह से बैठता है, कि एक्चुअली मैं तो पहली बार ऐसा कर रहा हूँ, इसके लिए मैं तो थोड़ा नर्वस ही हूँ। चलो एकदम से अच्छे से बैठ गया।
बस कोई दिक्कत ना आए, बैठ जाए अच्छे से, बैठा है क्रॉस करना पड़ेगा, करें कर लेंगे यार गाड़ी क्रॉस। अच्छा ऊपर वो थोड़ा सा घिस रहा है ना, गाइस मुझे तो अभी तो थोड़ा सा लग रहा है कि ये फिट नहीं हो रहा है, लेकिन भाई बोल रहे तो होना चाहिए, पर एक्चुअली अच्छा ही, अगर ये बहुत टायर बैठ जाएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि कॉर्नरिंग के लिए और ब्रेकिंग के लिए बहुत सही हो जाएगा काम। भाई माइलेज पे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या इससे? नहीं ना, चलो भाई तो नहीं बोल रहे, कोई नहीं, हम तो ऐसे भी राइड्स करने ही वाले तो हमें आइडिया आ ही जाएगा। ऊपर की तरफ ना गाइस थोड़ा सा घिस रहा है, तो मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है। तो गाइस फाइनली भाई ने टायर बैठा दिया है एकदम सही से, मतलब जो घिसने वाली बात लग रही थी वो तो कहीं से भी नहीं लग रही है, वो घिस रहा है ऊपर, पूरा रोटेशन दे रहा है। चलो एक बात तो साफ भाई ने कर दिया, क्लियर कर दिए कि अपने को माइलेज भी वही मिलेगा और कॉर्नरिंग ब्रेकिंग के लिए सही चीज़ हो गया। तो अभी हमने जो डाला है वो मेट्रो का टायर डाला हुआ है, हम तो कोई ऐसे एडवर्टाइज़ नहीं कर रहे टायर के, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया वही मैंने डाल के लिए है। तो गाइस अभी गाड़ी चालू करके हम देखते हैं। गाइस टायर तो पूरा तरह से रोटेशन दे गए, तो अभी हम लेंगे एक छोटी सी राइड, पहले इनसे बात करते हैं फिर एक राइड ले लेंगे। तो गाइस एक्चुअली मुझे थोड़ा टेंशन था कि वो बैठेगा कि नहीं बैठेगा, लेकिन भाई ने जैसा बोला वैसे करके भी दिखाया। तो गाइस अगर आपको बॉड साइज टायर डालना है तो आप बिंदास डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, और बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है, तो आप जिनसे डलवा रहे हो तो वो तो आपको अच्छे से सजेस्ट कर ही देंगे। एक्चुअली मेरा कैमरे का दंत बार बार इस तरफ जा रहा है, आप एडजस्ट कर लेना, आप इतना अहमत करना। और गाइस मेरे पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो अभी लेते भाई से बिल। हाँ भाई अभी इसमें जो कंडीशनल वारंटी होते हैं वो कंपनी किस तरह का देते हैं, मतलब क्या होगा तो चेंज? बबल आता है ना, फुगा आता है। ओके, या टायर में खिला घुसता या फट जाता है उससे? उसका नहीं, 50 रुपया छुट्टा नहीं भाई, इतना ही था मेरे पास। तो गाइस भाई बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कुछ रहेगा तो ही कंपनी आपको टायर चेंज करा के देगी। तो गाइस अपना काम तो हो चुका है, जैसे कि भाई ने बताया कि अनकंडीशनल वारंटी में सभी कंपनी के रूल्स तो सेम ही है, आप किसी भी कंपनी का टायर डाल सकते हो, और बेसिकली अगर आपका सुजुकी बर्गमन है तो आप उसमें 100, 90, 10, 56J का टायर जो है आप लगवा सकते हो। एक्चुअली वो ज़्यादा भी ब्रॉड नहीं है और ज़्यादा भी छोटा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इफेक्ट तो आपको महसूस हो जाएगा चलाते वक्त। और गाइस अभी अपने बजट में तो टायर आ चुका है, तो अभी और 2-3 चीज़ें अभी हम जाके करवा लेते हैं अपनी स्कूटी में, तो चलते। हेलो गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं, तो जो हमें मॉडिफिकेशन का काम कराना था वो तो आज हम कर नहीं पाएंगे, लॉकडाउन चालू हो गए, तो फिलहाल मैं पार्किंग लाइट का काम करा के ले रहा हूँ। तो देखते हैं अभी वो कैसे कैसे काम होता है, आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा।
भाई आराम से आराम से आराम से। तो फुल सेटिंग कर रहा है। अपना जो मेन इंडिकेटर का वायर उसको कट करना पड़ेगा क्या? क्या अलग से कुछ करना पड़ेगा? करोगे जॉइंट दे रहे हो क्या? जॉइंट देना पड़ेगा कि चलो चलो। तो गाइस अभी काम चालू हो चुका है, वो देखते हैं किस तरह से सेटिंग्स कर रहे हैं। वायर में भी बहुत सारा जॉइंट डाले हुए क्या? तो गाइस अभी एक्चुअली यहाँ पे बारिश चालू हो चुकी है, तो गाड़ी जो एकदम साइड में लेके काम करके दे रहा है वो बंदा। तो अभी मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ कि किस तरह से काम किया है, उसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। और अगर आप में से कोई काम करना चाहता है इनसे, तो इनका नाम है स्टार बाइक्स पार्किंग पॉइंट। तो मैं आपका लोकेशन लिंक में दे दूँगा, आप देख लेना। तो गाइस गाड़ी का जो काम है अभी कंप्लीट हो चुका है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है ये चीज़। एक्चुअली हमने बटन जो है ऐसा एक साइड में लगा के रखा है, तो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आपको पहले ये बटन चालू करना है, फिर आपको इंडिकेटर का बटन चालू करना है। अगर ऐसा करते हो तो आपका साइड इंडिकेटर काम करेगा, और इसको आप अगर ऑन करते हो, एक्चुअली पहले ऑफ था, इसको अगर आप ऑन करते हो तो आपका पूरा पार्किंग लाइट जलेगा। अगर आप देख रहे हो अच्छे से, पार्किंग लाइट अपना हो चुका है चालू, कुछ इस तरह से लग रही है। एक्चुअली इसमें अभी रैपिंग का काम और मिरर चेंजिंग का काम बाकी है, लेकिन अभी लॉकडाउन खुलने के बाद ही अभी हम काम करेंगे। तो गाइस ये इनके स्टोर का नाम, तो गाइस ये उनके स्टोर का नाम। आप अगर कामोटे या न्यू मुंबई में रहते हो तो आप इनसे आके काम करवा सकते हो। इनका लोकेशन तो मैं वैसे भी दे ही दूंगा आपको, तो आप चेक कर लेना। और गाइस अभी हम एक और वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें इसका हम कलर करेंगे फोटोशॉप पे, तो हम चेक करेंगे कि उसके ऊपर कौन सा कलर अच्छा लगेगा ब्लैक के साथ। तो अभी हम जाते हैं एक छोटी सी राइड पे।
हेलो गाइस, तो एक्चुअली गाइस हम छोटी राइड करने का प्लानिंग कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने आके अनाउंसमेंट की कि कल से जो है वापस से 10 दिनों के लिए लॉकडाउन चालू हो रहा है। तो रिसेंटली मेरा ऑफिस जो है स्टार्ट हुआ था और बहुत सारा काम ऑलरेडी 2-3 महीने का पेंडिंग था, तो उसकी वजह से मुझे ब्लॉक को रुका के ऑफिस जाना पड़ा। मैंने अपना सारा काम पहले ख़त्म कर दिया ताकि बाद में जाके मुझे कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। और अभी मैं घर जा रहा तो सोचा कि क्यों ना जाते जाते मेरा जो पेंडिंग व्लॉग आधा छोड़ा है उसे पूरा कर ले। तो इसके लिए मैं अभी यहाँ पे आया हूँ। ये जो है हमारा स्टेशन वाला रोड है। तो गाइस ये आपको वीडियो 101% ज़रूर पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को जो है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको सब्सक्राइब नहीं करना है तो गाइस प्लीज़, और गाइस क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सुजुकी बर्गमैन ऑलरेडी है जो लेना चाहते, या बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मेरे जैसा सोचते हैं कि गाड़ी का कंपनी दिया हुआ जो टायर है वो कॉर्नरिंग के लिए उतना बेनिफिट नहीं दे रहा है, गाड़ी स्लिप हो रही है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि मैं कॉर्नर ले सकता हूँ या नहीं। और जिनको ब्रॉड टायर्स पसंद है वो लोग बिंदास ब्रॉड टायर डाल सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 100-90-10 का ही डालना, क्योंकि 120 का तो वैसे भी बैठेगा नहीं, और बैठेगा तो आपका माइलेज पे वो डिफरेंस आने ही वाला है, क्योंकि टायर हेवी हो जाता है, इंजन पे लोड आ जाता है, तो सारी दिक्कत होगी। तो मैंने बहुत सारा लोगों से बात वगैरह करके फिर मैंने फाइनल किया कि मैं 100-90-10 का ही डालूंगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 10 mm का डिफरेंस आ रहा है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस ही नहीं। इसकी वजह से आपको माइलेज में भी कोई इशू नहीं आ रहा है, और चलाने में तो भाई बहुत मज़ा आया आज, क्योंकि आज ऑलमोस्ट मैंने 1-1.5 घंटा तो गाड़ी चलाई है। तो गाइस अभी बारिश हो रही है और मच्छर भी बहुत हो चुके हैं, तो करते हैं वीडियो को एंड। धन्यवाद, और प्लीज़ गाइस शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।